इंजीनियर लक्ष्मी चंद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन सेवा मिशन, उन्होंने एक लेख लिखा है। कल मैं लाइनों को ट्वीट करूंगा जो उन्होंने पहली लाइनें लिखी है। जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, जिनको उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। मैं बीज हूं तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ खोने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। आज जो है काशीराम जी का जन्मदिन जबरदस्त मना, आपने सच में काशीराम जी के घर गए थे? आपने वो वाला जो वो देखा, आपने वो देखा और आपने वो हालत भी देखी? अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे वहीं टोक देते। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं तुम जाना कभी जी भाई ख्वाहिशपुर तुम गए हो? मैं गया हूँ। मुंगा साहिब गए हो? नहीं नहीं, मैं उनके घर ही गया हूँ, उसी बिल्डिंग में गया हूँ। और जो ऊपर हाथी बना हुआ है, हाँ, और मैं उनके चाय पी मैंने उनके घर पे। उनके घर, हाँ, देखी मैंने, दरवाजे देखे, बिल्कुल देखे, बहुत बुरे हालत थे। तो दलवारा जी हमारे साथ हैं। ये टंकी आपने कब बनाई थी? 98 या 99 में बनाई थी। मैंने वो घर तीड़ आया हुआ घर देखा मैंने, ठीक है, मैंने उसमें उसके दरवाजे टूटे हुए दरवाजे देखे, मैंने वो घर के कुछ हिस्सा टूटा हुआ देखा। वो हमारे रहबर माननीय काशीराम साहब घर है। जिस दिन मैंने देखा था ना, तो मैं अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाया था। उधर बारिश पड़ रही थी, उधर मैं अपने आप की भावुकता नहीं रोक पा रहा था। जिस रहबर ने बहुजन समाज को इतने MP MLA दिए, मुख्यमंत्री बनाए, वो माननीय काशीराम साहब अपने संकल्प के प्रति इतने समर्पित थे कि अपने परिवार के लिए घर की व्यवस्था नहीं कर पाए। जहाँ बुंगा साहिब हम लोग जाते हैं, वो उनका ननिहाल है, हाँ, जहाँ साहब पैदा हुए, ठीक है, वो भी उनके जाने के बाद बना वो जगह पे। लेकिन असल जहाँ माननीय काशीराम साहब रहे, मैंने तो कमरा भी देखा जहाँ साहब पढ़ते थे बैठे, हाँ, हवा महल बोलते थे जिसको, हाँ। वो मैं भी गया था उसे, हाँ। और उनने उस समय की ट्रे भी दिखाई थी मेरे को, और मैं इनके घर ही गया था और इनने मुझे चाय पिलाई थी, 4 कप आए थे, चारों अलग थे। क्या बोला उन्होंने आज कि मुझे लखनऊ से जो पूर्व मंत्री और सब लोग रहे उन्होंने बुलाया? तो मैंने उनसे कहा, जब हम संघर्ष कर रहे थे तब तुम तो जो है रसमलाई खा रहे थे, तब तो तुम मंत्री बने हुए थे, अब तुम्हें निकाल दिया तो तुम बकवास कर रहे हो। तो मैं तो चंद्रशेखर आजाद के प्रोग्राम में जाऊंगा। क्यों बोला ये बात? क्या वो बेवकूफ है? इन्हें भी एजेंट कहते हैं, बसपा के लोग इनको भी एजेंट कहते हैं किसी पार्टी। बाबा साहब जी को जब स्टडी करते तो पता उनके बच्चे इलाज ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी, क्योंकि बाबा साहब उस समय हमारे लड़ने के लिए गवर्नमेंट जा रहे थे, तो उनके बच्चे यहाँ इलाज ना मिलने के कमी कारण मर रहे थे। तो ये पूरा समाज क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, देख रहा था मरते हुए, देख रहा था उनको। तो यानी कि जब कोई संघर्ष करता है इसी समाज के लिए, तो समाज बैठ के उसका तमाशा देखता है। जब वो संघर्ष के जरिए समाज को देता है, तब समाज उसकी जय जयकार करता है। मैं वो शख्स हूँ कि अगर गोली 1 इंच इधर होती तो शायद मेरी फोटो घरों में लोगों के लग रही होती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता तो मेरे पास भी ऊपर थे, किसी दल से जाके MP बन जाता, लेकिन ये आंदोलन जिंदा रहे और इससे उम्मीद है लोगों की जिंदा रहे, इसलिए मैं अपनी जगह पे तटस्थ खड़ा। यही आंदोलन इस देश में हजारों विधायक, हजारों सांसद पैदा करेगा, मेरी बात को तुम याद रखना।